अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उनेगा मोहम्मद और मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 पर। सुबह ही सुबह हम पुलाव ट्राई करने आए हैं। सुबह ही सुबह आज तक बिरयानी या पुलाव खाने का एक्सपीरियंस रहा नहीं है। अंकल पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सुबह ही सुबह जो है वो तकरीबन फजर के बाद अपना पुलाव लगाना स्टार्ट कर देते हैं और तकरीबन 9-10 बजे तक ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं इनका पुलाव है कैसा, आइए चलते हैं। तकरीबन मेरे को 38 ईयर्स यहाँ हो चुके हैं और ये 1 नंबर का इलाका कहलाता है शाह फैसल कॉलोनी। मैं 3 बजे उठता हूँ तकरीबन, मैं घर से निकलता हूँ 6 बजे निकलता हूँ तो 5:30 बजे खाने वाले आ जाते हैं घर पे। मकसद है ना, वो खा के फिर उनसे फारिग होकर यहाँ तो रास्ते में भी फिर बेचता हुआ आता हूँ मैं, तो यहाँ मैं 7 बजे पहुँचता हूँ। 1-1 किलो खा के चले जाते हैं, खड़े खड़े 1-1 किलो खा जाते हैं। और फिर है ना, देखो कितनी दुकानें हैं, अल्लाह का शुक्र है मैं 10 बजे फाइनल कर देता हूँ। मेरा नाश्ते में होता है काम, गोश्त का पुलाव होता है, उसके साथ दर्जा भी होता है मीठा, और तकरीबन ये पाव देते हैं हम 60 रुपये की सादी और 80 रुपये की गोश्त की, गाय का गोश्त होता है, कल्ले वल्ले का कोई नहीं होता। बस ये मसाला ज़रा होता है चटपटा, 30-30 साल से लोग खा रहे हैं। मैं जो है ना नाश्ता करके आता हूँ, सिर्फ दूध और पापे खा के आता हूँ, फिर यहाँ पर आन के करता हूँ बिरयानी का। जी तो नाजरीन, ये थे अनवर साहब जो कि बता रहे थे सुबह ही सुबह उठ के ये किस तरीके से पुलाव बना रहे हैं और फिर लोग इनके किस तरीके से दीवाने हैं और किस तरीके से आके खा रहे हैं यहाँ पे शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 पर। अब हमारे पास इनका पुलाव है, इसको थोड़ा सा रिव्यू करके खा के चेक करते हैं कि ये है कैसा। अंकल आप चले जाएँ पहले, ये यहाँ पे ऐसा होता है तो इसका रिव्यू करते हैं। नॉट बैड, इतनी सुबह ही सुबह पुलाव खा के एक तो बहुत अजीब सा लग रहा है, और जो मतलब कि इतना सुबह उठने का एक रीज़न जो है और इनके पास आकर के पुलाव खाने का जो एक मकसद है मेरे ख्याल से वो पूरा हो गया है। टेस्ट अच्छा है और जिस तरीके से इनके जो रेट हैं, मतलब कि 60 रुपये का या सादा देते हैं, 80 रुपये का बोटी वाला देते हैं, तो उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो गया ये तो मेरे ख्याल से। तो और इसमें एक खासियत है कि ये थोड़ा सा चटपटा है। अब जब सुबह ही सुबह आप उठेंगे और आपका मूड थोड़ा सा ऑफ होगा, आप जब यहाँ पे आएंगे चटपटी चीज़ें खाएंगे तो जहाँ जहाँ मूड ऑफ है सब कुछ मतलब क्या ऑन हो जाएगा। मिर्चें इसमें बहुत हैं, बहरहाल क्योंकि मैं स्पाइसी लवर हूँ, मतलब कि मुझे मिर्चें तेज़ अच्छी लगती हैं, तो इस वजह से मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल बंदा आएगा तो उसको पता चल जाएगा। तो अपना इंतज़ाम करके आएँ यहाँ पर जो भी आप आ रहे हैं। तो और एक दूसरा रीज़न ये भी है, आप ऐसी जगहों पर आकर और जिन जगहों पर इतने एजिट लोग और ठेला लगा के कुछ भी चीज़ बेच रहे हैं, चाहे वो बिरयानी बेचें या कुछ चाट बेचें, गोलगप्पे बेचें, कुछ भी एक्स वाई जी कुछ भी बेच रहे हैं, उनको आके थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि इनके पास कमाने को कोई वो बहुत बड़ा इनके पास जायदाद वगैरह नहीं होती है, ये बस अपनी रेगुलर रूटीन चला रहे होते हैं। अगर आप आएँगे, वैसे ही ज़िंदगी बहुत छोटी है, खा पी लें और कुछ खाएं पिएं, शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 पर आएँ सुबह ही सुबह, तो अनवर साहब के पास भी आएँ और उनसे खाएं पिएं। मेरे ख्याल से आप देख लें, मैं तो ये अपना पुलाव ख़त्म कर रहा हूँ जो कि बड़ा स्पाइसी है, आप देख लें आपने आना है या नहीं।